सी और सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें, स्टेटमेंट्स के ग्रुप को एग्जीक्यूट करें। हम ये मिसालों की मदद से करेंगे। हम कुछ आम एरर्स और इनके हल भी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 11.10, GCC और G++ कंपाइलर वर्जन 4.6.1 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स का तारुफ देते हुए शुरू करते हैं। प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो यानी रवानी को कंट्रोल करता है। कौन सा कोड एग्जीक्यूट किया जाना है ये फैसला करने में इसकी मदद करता है। हम कंडीशंस चेक कर सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। हम एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स के एक ग्रुप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट के फ्लो यानी रवानी को समझते हैं। यहाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब हम else if स्टेटमेंट के फ्लो को समझेंगे। यहाँ अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है तो ये दूसरी कंडीशन यानी कंडीशन 2 की जांच करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन 2 फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मैंने पहले ही एडिटर में कोड टाइप कर लिया है, लिहाजा मैं इसे खोलता हूँ। नोट करें कि हमारी फाइल का नाम ifstmt.c है। इस प्रोग्राम में हम दो नंबर्स के जोड़ का हिसाब करेंगे और कुछ कंडीशंस की जांच करेंगे। अब मैं कोड समझाऊंगा। ये हमारी हेडर फाइल है। ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ हमने तीन इंटीजर वेरिएबल्स ए, बी और सम डिक्लेयर किए हैं। यहाँ हम यूजर से इनपुट करने को कह रहे हैं। यूजर ए और बी की वैल्यू दाखिल करेगा। वैल्यू वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में जमा होंगे। scanf कंसोल से डेटा रीड करता यानी पढ़ता है, फिर इसके नतीजे को दिए गए वेरिएबल में जमा करता है। scanf में फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा की किस्म को समझने में मदद करता है। जैसे यहाँ हमारे पास %d है, ये इसका इजहार करता है कि हम इंटीजर डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ हम a और b की वैल्यूज शामिल करते हैं। हम नतीजे को सम में जमा करेंगे, फिर हम नतीजा प्रिंट करेंगे। ये हमारा if स्टेटमेंट है। यहाँ हम कंडीशन की जांच करते हैं कि क्या सम 20 से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं सम इज ग्रेटर देन 20। अब मैं इन लाइनों को कमेंट करूंगा। ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। पहले हम इफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन को समझेंगे। अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल ऑल्ट और टी कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस ifstmt.c स्पेस -o स्पेस if और एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए टाइप करें /if और एंटर दबाएं। ये मंदरदजैल तौर पर जाहिर होता है। एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैं वैल्यूज के तौर पर 10 और 12 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर किया जाता है। सम ऑफ ए एंड बी इज 22, सम इज ग्रेटर देन 20। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे। अब मैं यहां से कमेंट हटाऊंगा और यहां से भी।
अब सेव पर क्लिक करें। ये हमारा else if स्टेटमेंट है। यहां हम दूसरी कंडीशन की जांच करेंगे कि क्या sum 10 से बड़ा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं sum is greater than 10 and less than 20। अब अपने टर्मिनल पर वापस आएं और पहले की तरह कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें। ये मंदरजा ज़ैल तौर पर जाहिर होता है। Enter the value of a and b। मैं वैल्यूज के तौर पर 10 और 2 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है। Sum of a and b is 12. Sum is greater than 10 and less than 20. प्रॉम्प्ट क्लियर करें। अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मैं यहां और यहां से कमेंट हटाऊंगा। अब सेव पर क्लिक करें। अगर मंदरजा बाला दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो हम प्रिंट करते हैं sum is less than 10। ये हमारा else स्टेटमेंट है। अब एग्जीक्यूट करें और देखें। टर्मिनल पर वापस आएं। अब पहले की तरह कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें। यहां ये इस तरह जाहिर होता है। Enter the value of a and b। मैं वैल्यूज के तौर पर 3 और 5 दाखिल करूंगा। आउटपुट जाहिर होता है sum of a and b is 8, sum is less than 10। अब इन आम एरर्स को देखेंगे जो आ सकते हैं। प्रोग्राम पर वापस आएं। माने यहां इफ स्टेटमेंट के बाद आखिर में मैं एक सेमीकोलन टाइप करूंगा। देखें क्या होता है। सेव पर क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, टर्मिनल पर वापस आएं, पहले की तरह कंपाइल करें। हम एक एरर देखते हैं, else without a previous if। प्रोग्राम पर वापस आएं, ये एक सिंटैक्स एरर है। If स्टेटमेंट कभी भी एक सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट यानी खत्म नहीं होता, और else if स्टेटमेंट कभी भी if के बगैर काम नहीं करेगा। इस एरर को दुरुस्त करें, यहां सेमीकोलन डिलीट यानी हजफ करें। अब सेव पर क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, टर्मिनल पर वापस आएं, पहले की तरह कंपाइल करें और एग्जीक्यूट करें। a और b की वैल्यूज दर्ज करें। मैं वैल्यूज के तौर पर 3 और 6 दाखिल करूंगा। आउटपुट मंदरजा ज़ैल तौर पर जाहिर होता है। Sum of a and b is 9, sum is less than 10. अब देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को C++ में किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोग्राम पर वापस आएं, मैं यहां कुछ चीजें बदलूंगा। अपने कीबोर्ड पर एक साथ Shift, Control और S कीज दबाएं। अब फाइल को .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हम हेडर फाइल iostream से बदलेंगे। यहां यूजिंग स्टेटमेंट शामिल करें। अब सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रिंट एफ स्टेटमेंट को सी आउट स्टेटमेंट से तब्दील करें। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें और क्लोज पर क्लिक करें। अब यहां क्लोजिंग ब्रैकेट्स डिलीट यानी हजफ करें। स्कैन एफ स्टेटमेंट को सी इन स्टेटमेंट से तब्दील करें। टाइप करें सी इन और टू क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। क्योंकि हम C++ में लाइन पढ़ने के लिए सी इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिलीट यानी हजफ करें। कॉमा और एम्परसैंड डिलीट करें। यहां कॉमा डिलीट करें और दो क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें। फिर से एम्परसैंड और क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें और सेव पर क्लिक करें। यहां क्लोजिंग ब्रैकेट और कॉमा डिलीट करें। अब बैकस्लैश n और फॉर्मेट स्पेसिफायर डिलीट करें। अब दो ओपनिंग ब्रैकेट्स टाइप करें। दोबारा दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें और डबल कोट्स में बैकस्लैश n टाइप करें। यहां से भी हम क्लोजिंग ब्रैकेट हटाएंगे। अभी दोबारा हम यहां
और यहां से क्लोजिंग ब्रैकेट हटाते हैं। अब सेव पर क्लिक करें, एग्जीक्यूट करें, टर्मिनल पर वापस आएं, प्रॉम्प्ट क्लियर करें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ space ifstmt.cpp space -o space if1। यहां हमारे पास if1 है क्योंकि हम फाइल ifstmt.c के लिए आउटपुट के पैरामीटर if को ओवरराइट करना नहीं चाहते। अब एंटर दबाएं। एग्जीक्यूट करने के लिए /if1 टाइप करें और एंटर दबाएं। a और b की वैल्यूज दर्ज करें। मैं वैल्यूज के तौर पर 20 और 10 दाखिल करूंगा। आउटपुट इस तरह जाहिर होता है, sum of a and b is 30, sum is greater than 20। ये हमें इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर लाता है। अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं। आइए खुलासा करें। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा if स्टेटमेंट, जैसे if कंडीशन, और else if स्टेटमेंट, जैसे else if कंडीशन। मशक के तौर पर a b से बड़ा है या छोटा है, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। इशारा है, if स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। a, b या c में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, इसकी जांच करने के लिए दूसरा प्रोग्राम लिखें। इशारा है, else if स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। नीचे दिए गए लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मज़ीद मालूमात दर्ज़े लिंक पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।